वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार आपके बीच हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके उपस्थित हैं। अब देखिए, ये जो टॉपिक लेकर मैं आपके बीच आया हूँ ये एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ढेर सारे एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं और हमारा टॉपिक है कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। हम बात करेंगे, इट्स अ ग्रामर इन इंग्लिश, कॉम्पेरेटिव स्टडी ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। वैसे तो ये टेंस का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही उम्दा टॉपिक है, अक्सर ये टॉपिक एग्जाम में कॉमन रहता है, पूछा ही जाता है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत क्रिएट करता है। इस टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन है। चलिए हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस में। सबसे पहला पार्ट हम बात करते हैं, अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो, और इधर हम लिख देते हैं पास्ट टेंस, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट में भी पहला पार्ट यही होगा, पास्ट इंडेफिनिट। अब चीज को समझिए कि क्या होता है। देखिए अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर वर्ब में लगाते हैं एस और ईएस, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे तो मैं जरा सा पहचान बता दूं, अगर आप टेंस की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, और राम बाजार जाता है, अनुराधा गीत गाती है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो इस तरह से ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। और इसका इसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और यस लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब में एस और यस लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस और यस नहीं लगेगा। जैसे राम एक पत्र लिखता है तो क्या बनता है, राम राइट्स अ लेटर, कहते हैं राम एक पत्र लिखता है, राम राइट्स अ लेटर। अच्छा अगर मान लीजिए प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हो जाएगा वी राइट अ लेटर। हम एक पत्र लिखते हैं, राम राइट्स अ लेटर, वी राइट अ लेटर। ये सेंटेंस हमारा सिंपल है, यहां हम लिख देते हैं सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल में ता है, ती है, ते हैं दिया होगा, और जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें एस और ईएस लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे। जैसे वी राइट अ लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं। चलिए इस तरह से हुआ, और देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में आएगा ता था, ती थी या ते थे। देखिए ता था, ती थी, ते थे, ये पास्ट इंडेफिनिट में आता है। इसके अगर सिंपल सेंटेंस की हम बात करें, सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे,
ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो भी वर्ब में सेकेंड फॉर्म लगेगा, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, यानी ये कॉमन है। राधा एक पत्र लिखती थी तो हो जाएगा राधा रोट अ लेटर, राधा रोट अ लेटर। अगर आ जाए हम पत्र लिखते थे तो अगर सब्जेक्ट बदला वी तो हो जाएगा वी रोट अ लेटर। ये कंपैरेटिव स्टडी जो हम कर रहे हैं ये थोड़ा सा जो आपके सिलेबस से ऊपर उठ के है, अक्सर ऐसा आता है। क्लास नाइन्थ के एबव ही ये बात चल रही है, क्लास नाइन्थ के नीचे थोड़ा सा ये नॉर्मल वे में हम एक ही टेंस देखते हैं, लेकिन एक साथ हम दो टेंस देख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट, है ना। कंपैरेटिव स्टडी है प्रेजेंट और पास्ट का। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाते हैं। ये कॉमन बात है। राम एक पत्र नहीं लिखता है, यानी राम डज नॉट राइट अ लेटर, राम डज नॉट राइट अ लेटर। अनुराधा भोजन नहीं पकाती है, अनुराधा डज नॉट कुक फूड, अनुराधा डज नॉट कुक फूड। इस तरह से हमने देखा कि सिंपल में वर्ब में एस और यस लग रहा था, नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट लग रहा है, ठीक है। इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, ता था ती थी आता था, तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे थे, राधा रोट लेटर, वी रोट लेटर। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा ये तो सिंपल था, लेकिन अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, सेंटेंस हमारा जैसे ही नेगेटिव होगा तो यहां जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट लगा रहे थे, पास्ट इंडेफिनिट में क्या लग जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाएंगे। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है ये मायने नहीं रखता है, हम उसके साथ डिड नॉट लगाएंगे, है ना, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाएंगे। जैसे अनुराधा एक पत्र नहीं लिखती थी, अनुराधा डिड नॉट राइट अ लेटर, अनुराधा डिड नॉट राइट अ लेटर। ये आपका फर्स्ट हो गया। एक और सेंटेंस लिखें, आई डिड नॉट राइट एनएसए, मैं एक ऐसे या निबंध नहीं लिखा। या हम एक और देख लेते हैं, दे डिड नॉट प्ले चेस, दे डिड नॉट प्ले चेस। इस तरह से देखिए सिंपल और नेगेटिव, सिंपल नेगेटिव दोनों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे होता है। आइए थोड़ा सा इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में क्या होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में डिड पहले हो जाएगा, क्योंकि अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो डू डज या डिड पहले लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में सबसे पहले होगा डू या डज, है ना, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स और प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर नॉट होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहां मैं स्टार लगा देता हूं, यहां नॉट इंसर्ट करेंगे,
नॉट होने पर यहां हम नॉट इंसर्ट करेंगे। जैसे क्या पहले आ जाए, क्या अनुराधा, देखिए हम हिंदी में आ गए थोड़ा सा ट्रांसलेशन को लेकर के, क्या अनुराधा एक पत्र लिखती है। देखिए इस तरह का क्या पहले है, तो क्या की अंग्रेजी न लिख करके हम डू या डज में से कोई एक लिखते हैं, अनुराधा सिंगुलर है, डज पहले लिखेंगे। डज अनुराधा सब्जेक्ट के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म यानी लिखना, राइट अ लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डज अनुराधा राइट अ लेटर, है ना। या क्या वे अपना काम करते हैं, देखिए प्लूरल आ गया वे, तो क्या के लिए हम पहले लगा देंगे डू, डू दे डू। अब देखिए ये डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये डू मेन वर्ब है, डू दे डू देयर वर्क क्वेश्चन मार्क, डू दे वर्क, अच्छा तुम कहां रहते हो, देखिए कहां बीच में आ गया। तो ऐसा होगा कि अगर कोई प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम डू या डज से पहले लिखते हैं। तो कहां की अंग्रेजी पहले लिख देंगे, वेयर, फिर डू, फिर यू। ये डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वेयर डू यू रहने का लिव क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव। चलिए थोड़ा फास्ट में बिना हिंदी लिखे लिखते हैं, तुम बाजार क्यों नहीं जाते हो, क्या होगा, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट, वाई डू यू नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपने देख लिया, इंट्रोगेटिव। आइए चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में क्या था, कि सिंपल में सब्जेक्ट के साथ वो आपका सेकेंड फॉर्म लगा रहे थे, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लिख रहे थे। अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, प्रश्नवाचक, हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का। तो अगर क्या से पहले सेंटेंस क्या से शुरू है, तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, डिड से शुरू होगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट आता है तो यही इंसर्ट करेंगे, नहीं तो फिर वो आपका फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में आने पर उसकी अंग्रेजी डू डिड से पहले लिखते हैं। जैसे क्या रामू बाजार गया, तो डिड से होगा, डिड रामू गो टू मार्केट। देखिए क्या पहले है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए तो रामू हो गया, फिर उसके बाद नॉट तो है नहीं, वो आपका फर्स्ट फॉर्म, गया जाने का गो फर्स्ट फॉर्म लगा दिया, टू मार्केट, डिड रामू गो टू मार्केट। एक और देख लेते हैं, क्या अध्यापक ने गणित नहीं पढ़ाया, क्या अध्यापक ने गणित नहीं पढ़ाया, तो क्या पहले है, तो डिड पहले हो जाएगा, डिड द टीचर नॉट टीच मैथ्स, डिड द टीचर नॉट टीच मैथ्स। एक और देख लेते हैं, वह बाजार क्यों नहीं गया,
वह बाजार क्यों नहीं गया। देखिए प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हैं, क्यों है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड ही सब्जेक्ट है, नेगेटिव है नॉट गो टू मार्केट, वाई डिड ही नॉट गो टू मार्केट। इस तरह से आपने देखा प्रेजेंट इनडेफिनिट और पास्ट इनडेफिनिट का कंपैरेटिव स्टडी कैसे करते हैं। हम इसी तरह से अगला वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।